subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now, question number 4. How can we recombine the components of white light after a prism has separated them? हमें पता है कि एक प्रिज्म पे जब व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो वो प्रिज्म उस व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में विभाजित कर देता है, जिसको बोलते हैं डिस्पर्शन, राइट। अब इन 7 कलर्स को वापस रिकम्बाइन हम कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। इन 7 कलर्स को वापस व्हाइट लाइट में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। सो द आंसर इज बाय प्लेसिंग अ सेकेंड आइडेंटिकल प्रिज्म इन एन इनवर्टेड पोजिशन With respect to the first prism, we can do this. मतलब एक prism था पहले, उस prism ने क्या किया? White light को 7 colors पे divide कर दिया. अब हमने क्या किया? एक दूसरा similar prism लेकिन inverted रख दिया. ठीक है? तो क्या करेगा ये second prism? इन सारे colors को recombine करके white light बना दिया. तो question ने पूछा गया थी कैसे हो सकता है? तो answer ये है कि हमको एक second prism लेना पड़ेगा. लेकिन उसको इन्वर्टेड पोजीशन में रखना पड़ेगा और फिर से रिफ्रैक्शन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो होता क्या है उसमें, ऑल द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर्स्ट प्रिज्म आफ्टर डिस्पर्शन पास थ्रू द सेकेंड प्रिज्म एंड रिकम्बाइन टू फॉर्म अ व्हाइट लाइट। वो सारे कलर्स सेकेंड प्रिज्म से पास होंगे और रिफ्रैक्शन के बाद वापस रिकम्बाइन होकर व्हाइट लाइट बना देंगे, ठीक है। इसको हम इमेज में समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, इस तरह से पहला प्रिज्म जो है, ये वाला जो प्रिज्म है वो क्या कर रहा है, व्हाइट लाइट को डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स कर रहा है। सारे कलर्स यहां नहीं बनाए गए हैं, रेड एंड वॉयलेट बस बनाया गया, मीन्स बाकी कलर्स बीच, ठीक है। व्हाइट लाइट यहां एग्जैक्टली नहीं बनाई गई है, व्हाइट लाइट को ब्लैक लाइन से डिनोट किया गया है समझने के लिए, ठीक है। ग्रीन क्योंकि व्हाइट लिया है वहां पे, इसलिए, ठीक है। तो हुआ क्या, व्हाइट लाइट जो आई उसको इस फर्स्ट प्रिज्म ने क्या कर दिया, कलर्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे जो है एक सेकेंड प्रिज्म रखा जो कि इन्वर्टेड पोजिशन में रखा, ओके। तो आप यहां देख सकते हो ये जो कलर्स है इस सेकेंड प्रिज्म से पास होके वापस कंबाइन होके क्या बन गए, व्हाइट लाइट बन गए। मतलब एक प्रिज्म ने कलर पे डिवाइड किया उसको और सेकेंड प्रिज्म ने उल्टा रखने पे उसको वापस उन कलर्स को जोड़ के व्हाइट लाइट बना दिया। एक्चुअल में इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला था कि व्हाइट लाइट में इटसेल्फ 7 कलर्स होते हैं। पहले ऐसा लग रहा था कि प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो प्रिज्म के फंक्शन की वजह से वो 7 कलर्स निकलते हैं, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में व्हाइट लाइट इटसेल्फ जो है 7 कलर्स से मिलके बना होता है। ये सर आइजैक न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने इस तरह से डिस्कवर किया था इस चीज को कि व्हाइट लाइट इज इटसेल्फ कंपोज्ड ऑफ 7 मेन कलर्स, ठीक है।